हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेज क्लास एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एंड नेम ऑफ चैप्टर इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज वेवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ऑनर्स। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है अगर कुछ प्राइवेट स्कूलों में राइटर्स की बुक लगाई जाती है तो उन बुक्स में इन चैप्टर्स के नाम अलग होते हैं। जैसे एक बुक है उसके अंदर इस चैप्टर का नाम क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री है, तो हर एक बुक में राइटर की बुक में एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है। तो मैं आपको इस चैप्टर का बेस बताऊं तो इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि किस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी एक टाइम पे हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे आपके जो आपके मुगल एम्पायर था उसका शासन था, मुगल एम्पायर से पहले दिल्ली सल्तनत का शासन था। तो दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल एम्पायर का जब राज इंडिया के अंदर आया था तो उस टाइम पे इंडिया की जो क्राफ्टमैन था, इंडिया की जो इकोनॉमिक थी, मतलब इंडिया का जो वेवर्स थे वो काफ़ी पीक पर थे, काफ़ी बढ़िया थे। मतलब जब इंडिया के अंदर मुगलों का राज था तो उस टाइम पर इंडिया की जो क्राफ्ट थी, क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इंडिया के जो वेवर्स थे उनको काफी पीक मिला था और काफी अच्छा उनका बिजनेस हुआ था। बट मुगल एम्पायर के बाद जब जहांगीर गया, उसके बाद जब बहादुर शाह जफर गया, उसके बाद जब मुगलों का पूरी तरह, उसके बाद जब ब्रिटिशों का पूरी तरह से इंडिया के ऊपर राज हो गया, तो उसके बाद जो इंडियन वेवर्स जो थे, यानी कि इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनकी जो पीक था, उनका जो बिजनेस था वो काफी डिक्लाइन हो गया था। तो इस चैप्टर में यही समझेंगे कि भाई इंडिया के जो वेवर थे, इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो मुगल एम्पायर पर कैसी थी और जब ब्रिटिश आए तब कैसे हुई, तो मुगल एम्पायर पर बढ़ी कैसे, पीक पर कैसे हुई और ब्रिटिशों के टाइम पर डिक्लाइन कैसे हुई, तो इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट क्या आता है वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखो हैंडीक्राफ्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि सच काइंड ऑफ क्राफ्ट विच आर मेड बाय दी हैंड्स इज नोन एज हैंडीक्राफ्ट। ऐसे कुछ चीज़ें जो आप हाथों से बना के बेचते हो तो उसी को हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कपड़ों के ऊपर बुनाई करते हैं वो हाथ से होता है, कढ़ाई करते हैं वो भी हाथ से होता है, हाथों से बर्तन बनाना जैसे जो बड़े का काम करते हैं मिट्टी के बर्तन वो भी हो गया, उसके अलावा सिलाई करना वो भी हो गया, ठीक है, कॉटन के कपड़े बनाना वो सारे। तो पहले के टाइम पे इंडिया के अंदर, क्योंकि पहले के टाइम पे इंडिया में तो मशीन हुआ नहीं करती थी, तो 17, 18 सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर कपड़ों हाथों से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी, जिनकी डिमांड इनफैक्ट यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा थी, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक थी उस टाइम पर काफ़ी पीक पर थी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो क्या कहता है, इंडिया हैड एक्सपोर्टेड डिफरेंट फिनिश्ड गुड्स टू डिफरेंट यूरोपियन कंट्री। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक टाइम ऐसा था कि इंडिया के जो हाथों से बनाए हुए जो क्राफ्ट थे वो यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी इन बिटवीन 16-17 सेंचुरी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है फिनिश्ड गुड। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई यूरोपियन कंट्री के अंदर फिनिश्ड गुड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो कौन से फिनिश्ड गुड्स थे वो, तो वो फिनिश्ड गुड्स थे आपके कॉटन क्लॉथ, ज्वेलरीज, इनले वर्क, स्टोन कार्विंग। कॉटन क्लॉथ मतलब जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो इंडियन हाथ से बना के यूरोप में बेचा करते थे, तो इससे इंडिया की जो इकोनॉमिक थी काफ़ी बढ़िया थी और पैसा अच्छा खासा आता था, ये आपको ध्यान रखना है। ज्वेलरी भी थी हाथों से बनाई हुई ज्वेलरी वगैरह बेचना। उसके बाद इनले का मतलब क्या होता है, जो आप कपड़ों पर कढ़ाई बुनाई औरतें हाथों से करती हैं, सुई धागे से करती हैं, वो काफ़ी बारीक काम होता है चादरों पे, साड़ी पे, कपड़ों पे, तो वो हाथों से की हुई कढ़ाई धागों, सुई धागों से, वो यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इंडिया की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर स्टोन कार्विंग का मतलब क्या होता है कि पत्थरों के ऊपर छेनी हथौड़े से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाना, मूर्ति बनाना, शेप्स बनाना, उस पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाना और उसको बना के यूरोपियन कंट्री में बेचना, तो उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी यूरोप के अंदर इंडिया से, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पर इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट के लोग थे उनकी भी सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी और इंडिया की इकोनॉमिक भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मानो इंडिया की इस खुशी को, इंडिया की इस इकोनॉमी को किसी की नज़र लगी और इंडिया की इकोनॉमी डूबने लग गई, क्या हुआ था, बट सून इट्स डिमांड बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल, ठीक है। देखो जिस टाइम पर मुगल का राज था, खासकर के अकबर जहांगीर का, उसके बाद का टाइम जो था, तो इंडिया के अंदर इनके टाइम पे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थे, यानी कि जो इंडिया के जो लोग हाथों से कपड़े बनाते थे, हाथों से ज्वेलरी बनाते थे, हाथों से कढ़ाई बुनाई करते थे या फिर हाथों से पत्थरों पे अपनी कलाकारी करते थे, ये कुछ और, तो मुगल के टाइम पे इन सबको काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिस्ट मिला और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट करवाया इंडिया के बाहर से, ताकि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के लोगों की जो डिमांड है वो ठीक ठाक रहे और बढ़िया रहा। लेकिन जैसे ही मुगल का राज गिरा, मुगलों का राज गिरने के बाद मानो इंडिया की जो इकोनॉमिक थी, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट जो था, इसकी भी डिमांड यूरोप के अंदर गिरने लग गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मुगल के बाद जिनका शासन चालू हुआ था वो किसका हुआ था, वो हुआ था ब्रिटिश का, जो कि आपको पता है, ठीक है। तो जैसे ही मुगल जब तक थे तब तक इंडिया की इकोनॉमिक ठीक रही, लेकिन जब मुगल के जाने के बाद जब ब्रिटिश आए तो इंडिया की इकोनॉमिक और ज़्यादा खराब होने लग गई। अब क्यों खराब होने लग गई वो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इसमें हमें यही बताया जाए, इसमें हम यही देखेंगे कि भाई ऐसे कौन से रीज़न रहे, ऐसे कौन से कारण रहे, या फिर इन गोरों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक जो थी, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो यूरोप के अंदर डिक्लाइन होने लग गया था, वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि इंडियन
इंडस्ट्री मोस्टली हिट बाय दी ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। देखो पहला जो सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो हिट हो गई थी, वो डिक्लाइन हो गई थी, वो ये था कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशों का राज चालू हुआ तो इंडिया के लोग क्योंकि हाथों से सामान बनाते थे तो हाथों से हैंडीक्राफ्ट से हैंडीक्राफ्ट के सामान को बनने में काफ़ी टाइम लगता था और उसमें जो बारीकनेस होती थी काफ़ी अच्छी होती थी बट मशीन के मुकाबले कम होती थी। बट जब ब्रिटिश इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इन सारे सामानों को मशीन से बनाना चालू कर दिया, जिससे मशीन से सामान काफ़ी ज़्यादा ही बनता और काफ़ी कम टाइम में भी बनता, तो इसकी वजह से इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे उनकी हालत बुरी होने लग गई। तो पहला रीज़न ये रहा डिक्लाइन होने का। दूसरा रीज़न क्या कहता है कि हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अब क्या हुआ, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशों का राज चालू हो गया 18 सेंचुरी के एंड तक, अच्छा खासा राज चालू हो गया इंडिया के अंदर, तो इंडियन ब्रिटिशों ने क्या किया कि इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन थे, जो वो सामान जो अपना बाहर बेच रहे थे यूरोपियन में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना चालू कर दिया, एक्सपोर्ट टैक्स लगाना चालू कर दिया, ड्यूटीज़ लगाना चालू कर दिया। अब ड्यूटीज़ लगाने से क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा बाहर, अगर उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लग गया तो वो चीज़ बाहर जाके महंगी हो जाती है, और अगर वो चीज़ महंगी हो जाती जो चीज़ पहले इंडिया से बाहर जाके सस्ती में बिकती थी हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि ब्रिटिशों ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो चीज़ क्या हो गई, बाहर महंगी हो गई, और बाहर महंगी होने की वजह से लोग उसको खरीद नहीं रहे थे, उनकी डिमांड कम हो गई थी, जिसकी वजह से इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड थी वो यूरोपियन कंट्री में फिर दोबारा क्या होने लग गई, फिर दोबारा नहीं पहले टाइम ही कम होने लग गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा रीज़न ये रहा जिसकी वजह से डाउनफॉल हो रहा था। तीसरा रीज़न क्या कहता है, बट वेरी लो टैक्स और नो टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन ब्रिटिश गुड्स। हाँ देखो, जहाँ पे इंडियन के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था हाथों से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट का, उसके ऊपर ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड थी वो कम हो रही थी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया था, लेकिन उसी दूसरी तरफ ब्रिटिश जो अपने मशीन से जो सामान बना रहे थे उस सामान का जो उसके ऊपर जो टैक्स था उसके ऊपर वो कोई टैक्स नहीं लगा रहे थे या फिर कम टैक्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया सामान इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिक रहा था, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स था ही नहीं तो इंडियन को काफ़ी सस्ता पड़ता था, इंडिया के लोग वही खरीदते थे, जिस वजह से इंडिया के अंदर ब्रिटिशों की बनाई हुई सामान की जो डिमांड था वो बढ़ रहा था और इंडिया के अंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट के द्वारा बनाए गए सामान की जो डिमांड थी वो घट रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा रीजन क्या रहा डाउनफॉल होने का, इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेस टू द रॉ कॉटन ड्यू टू एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड फॉर देयर इंडस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ऑब्वियस बात हो, चाहे ब्रिटिश सामान बनाए मशीन से या फिर इंडियन सामान बनाए अपने हाथों से, दोनों के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रॉ मटेरियल, ठीक है, चाहे वो कॉटन का क्यों ना हो। तो इसमें क्या किया गया, जब ब्रिटिशों का इंडिया के ऊपर राज होने लग गया तो ऑब्वियस बात है इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ऐसा क्लाइमेट है कि यहाँ पर कॉटन आराम से उग सकता है, स्पेशल इन ब्लैक सॉइल, लेकिन यूरोप के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि ब्रिटिश वालों ने देखा कि भाई इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल है कॉटन का रॉ मटेरियल वो काफ़ी ज़्यादा उगता है, इससे एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है। तो ब्रिटिशों ने एक रूल अप्लाई कर दिया, एक लॉ लेके आ गए, जिस लॉ की वजह से जो इंडियंस थे वो इंडियंस इंडिया के ही रॉ मटेरियल यानी कि इंडिया के ही कॉटन को यूज़ नहीं कर सकते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया कि भाई कोई भी इंडियन अब, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी इंडियन अब कॉटन को यूज़ नहीं करेगा और वो कॉटन सिर्फ ब्रिटिश यूज़ करेंगे। तो क्योंकि रॉ मटेरियल सिर्फ ब्रिटिश को अलाउ था तो ब्रिटिश वाले उस रॉ मटेरियल को यूज़ करते और उसको अपने ब्रिटिश जो था उनका कंट्री वहाँ लेके जाते और वहाँ पे उस मशीन को कपड़े में बना के इंडिया के अंदर ला के बेच देते, लेकिन इंडिया के अंदर ही इंडियन लोग ही उस कॉटन को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो जिसके वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उनके पास रॉ मटेरियल नहीं पहुँच रहा था बट ब्रिटिशों के पास रॉ मटेरियल काफ़ी आसानी से पहुँच रहा था, जिसकी वजह से डिमांड में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। देखो सिंपल सी चीज़ है, इंडिया के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री था तो इंडिया के अंदर जो कॉटन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था, जो रॉ मटेरियल उगाया जा रहा था, तो वो ब्रिटिश वाले अपने कंट्री में लेके जाते और वहाँ मशीन से यूज़ करके उस कॉटन को कपड़ों में कन्वर्ट करके कपड़ों में बना के वहाँ उसको इंडिया में ला के बेच देते। तो इस तरह से इंडिया के अंदर ब्रिटिशों का मशीन के द्वारा बनाया गया सामान काफ़ी ज़्यादा बिक रहा था बट ब्रिटिशों ने उसी कॉटन को इंडियंस के लिए अलाउ करना, इंडियन के लिए यूज़ करना मना कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन के पास वो रॉ मटेरियल पहुँच नहीं रहा था और जिसके वजह से इंडिया के अंदर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो डिक्लाइन होने लग गया था। तो ये कुछ बेसिक रीजंस थे जिन रीजंस की वजह से इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वो डिक्लाइन हो रहा था। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट जो ये कहता है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो हमने ये देखा कि मुगल्स के टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो ठीक ठाक थी, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड अच्छी खासी थी, बट जब ब्रिटिश का टाइम आया तो ब्रिटिश के टाइम पे बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब ऑब्वियस बात है अगर इंडिया के अंदर इंडियन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम होगा तो ऑब्वियस बात है इंडिया की जो इकोनॉमिक है उस पर भी असर पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ा, तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। क्या थे वो इफेक्ट वो देखते हैं। तो पहला क्या था, इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश आइटम टर्न इंटू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब ब्रिटिश नहीं थे तो ब्रिटिश से पहले इंडिया की जो फाइनल गुड्स थी वो यूरोपियन कंट्री में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंडिया जो था वो एक बहुत ही बिगेस्ट एक्सपोर्टर था ऑफ फिनिश्ड आइटम मतलब ये सारे आइटम जिनके हमने भी लिस्ट देखी, तो ये सारे गुड्स
इंडिया के अदर कंट्री में, अदर मार्केट में बहुत ज़्यादा बिका करती थी। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था फाइनल फिनिश गुड्स में वो काफ़ी ज़्यादा था, बट जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने फिनिश गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, अलग अलग टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। और सिर्फ बिकता क्या बाहर, सिर्फ बाहर बिकता इंडिया के रॉ मटेरियल, और इंडिया का जो रॉ मटेरियल बाहर बिकता वो भी काफ़ी चीप रेट पर बिकता, जैसे कि कॉटन की अभी हमने इसमें बात की थी। तो इंडिया जो एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, अब वो एक्सपोर्टर बन गया था सिर्फ और सिर्फ किसका, इंडिया के रॉ मटेरियल का। अब हम देखते हैं दूसरा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा। इंडियन गुड्स वर नॉट एक्सेप्टेड इन द ब्रिटिश मार्केट व्हाइल इंडियन मार्केट वर फ्लोडेड विद द ब्रिटिश गुड्स। यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश का राज चालू हुआ तो इंडियन गुड्स जो थे वो ब्रिटिश के अंदर उनकी डिमांड काफ़ी कम होने लगी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने इंडियन गुड्स पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स ब्रिटिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए थे, और इस वजह से ब्रिटिश के लोग जो थे वो इंडियन गुड की डिमांड को कम कर रहे थे। बट वहीं पर उल्टा हो रहा था। क्या उल्टा हो रहा था? कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई हुई गुड्स थी उनकी डिमांड इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। क्यों? पहला रीजन तो ये था कि उनकी जो गुड्स थी वो मशीन से बना करती थी, तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी अलग होती थी और वो कम समय में ज़्यादा गुड्स बना करते थे। दूसरा रीजन ये था कि इंडियंस ने क्या, ब्रिटिश ने क्या कर दिया था कि इंडियन गुड्स पर टैक्स ज़्यादा कर दिया था, बट ब्रिटिश गुड्स पर टैक्स काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर ब्रिटिश के जो गुड्स थे वो काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे। तो इसलिए इंडियन मार्केट में ब्रिटिश गुड्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। तो जहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही थी, वहीं पर ब्रिटिश के अंदर इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो रही थी। नेक्स्ट ये कहता है कि इंडियन आर्टिशियंस बिकम अनएम्प्लॉयड। ऑब्वियसली बात है, इंडिया के अंदर जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट के द्वारा बनाए गए गुड्स की डिमांड कम हो रही थी, तो इस वजह से इंडियन के जो पर्सन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अब अनएम्प्लॉयड होते जा रहे थे, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हो रही थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, और उन्होंने अपने एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए दूसरा तरीका ढूंढना चालू कर दिया था। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी डाउनफॉल ऑफ अदर इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इंडिया की छोटी मोटी इकोनॉमिक थी वो इफेक्ट हो रही थी, और जिसकी वजह से उसका इफेक्ट इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्री पे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज पे भी दिख रहा था। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर भी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कई बार छोटी मोटी इन हैंडीक्राफ्ट से होते हुए भी जाते हैं, लेकिन जब छोटे हैंडीक्राफ्ट के अंदर ही मटेरियल नहीं होगा तो बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं उनके अंदर हैंडीक्राफ्ट नहीं आ पाता। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, इसी के साथ हमारा जो ये पहला कुछ पहले टॉपिक्स थे एक इंडियन इकोनॉमी को और उसके हैंडीक्राफ्ट को लेके, जब ब्रिटिशों का रूल था और जब मुगल्स का रूल था तब के बारे में, तो हमें समझ में आ गया। अब इससे अगले जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा। एंड टू हेल्प योर फ्रेंड्स यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।